आज हम शुरू करने जा रहे हैं लारावल। लारावल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों इसके अंदर इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं, क्यों इसके अंदर पीएचपी का इतना ज़्यादा काम है। लारावल है क्या बेसिकली, अगर हम इसे डिफाइन करें, लारावल इज़ अ फ्री ओपन सोर्स पीएचपी वेब फ्रेमवर्क। हमारे पास ओपन सोर्स है और फ्रीवेयर है। वी डोंट नीड टू बाय एनी लाइसेंस टू यूज़ इट। हमें इसे यूज़ करने के लिए कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है, पीएचपी वेब फ्रेमवर्क है। वेब पीएचपी हमें पता है वेब सर्वर सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, और ये पीएचपी लैंग्वेज का हमारे पास एक फ्रेमवर्क है एंड इंटेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर फॉलोइंग द मॉडल व्यू कंट्रोलर्स MVC पैटर्न यूज़ करके, जिसे हम कह सकते हैं MVC पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न और आर्किटेक्चर्स पैटर्न। करेक्ट, मेन MVC। लारावल फुली एंड फुली डिपेंडेंट ऑन MVC, फॉलोइंग द MVC स्ट्रक्चर। तो हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे MVC क्या है। हमें पता लग रहा है लारावल क्या है, PHP का फ्रेमवर्क है, किस लिए यूज होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, फ्री है और ओपन सोर्स है। हमें कोई भी पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके अंदर, और हमें कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। करेक्ट, बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहला बेनिफिट्स हमारे पास PHP फ्रेमवर्क है, PHP का फ्रेमवर्क है, PHP हमने अच्छी तरह से यूज़ की हुई है, PHP इज ऑल्सो ओपन सोर्स फ्रीवेयर। सेकेंड वन, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे ये हमारी फाइल्स को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करता है। देन सिक्योर है, लीन है, फास्ट है, पावरफुल डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर। डिपेंडेंसीज जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है, वो हमारे पास एक पावरफुल इंजेक्शंस प्रोवाइडेड है, अपने आप डिपेंडेंसी चेक करता है ये दिस वन इज पोर्टेबल और नॉट अकॉर्डिंग टू आवर सॉफ्टवेयर्स। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है उस या सर्वर है, उस पर ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। करेक्ट, मल्टीपल बैकेंड्स फॉर सेशंस एंड कैशे स्टोरेज, रियल टाइम इवेंट ब्रॉडकास्टिंग, रियल टाइम जो इवेंट फायर होंगे चलेंगे वो ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्यूटीफुल कोड है, टन्स ऑफ यूटिलिटी एंड हेल्पर्स, इसकी यूटिलिटी एंड हेल्पर्स अवेलेबल हैं लोड ऑफ काफ़ी ज़्यादा। ग्रेट डॉक्यूमेंटेशंस और ऑसम कम्युनिटी फॉर अस, कम्युनिटी बड़ी अच्छी है जो हेल्पफुल है हमारी इश्यूज फिक्स करने के लिए, डिस्कशन के लिए, जो भी हमारे इसके रिगार्डिंग है। काफ़ी बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, इजी है, पीएचपी फ्रेमवर्क है, पीएचपी इज ऑल्सो इजी मेंटेनेबल, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स है हमारे पास लैंग्वेज, उसी का ही बेस है, उसी का ही फ्रेमवर्क है हमारे पास लारावल। हमने पढ़ा इसके अंदर ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमारे पास MVC पैटर्न। MVC क्या है, MVC इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स, मीन द स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशंस, एक हमारी एप्लीकेशंस का स्ट्रक्चर सेट करेगा, उसका आर्किटेक्चर है, उसका स्ट्रक्चर है MVC। इट डज दिस बाय सेपरेटिंग द एप्लीकेशन इंटू थ्री पार्ट्स। ये क्या करेगा, हमारी एप्लीकेशन को सेपरेट करेगा थ्री पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, इट विल डिवाइड आवर एप्लीकेशन विद इन द थ्री थ्री स्ट्रक्चर्स या थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेगा। विच वन, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा। MVC हमारे पास एक तरह से स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, पैटर्न दैट वी विल फॉलो, या जो लारावल फॉलो कर रहा है। करेक्ट, क्या है हमारे पास मॉडल, द मॉडल मैनेजेस फंडामेंटल बिहेवियर्स एंड डाटा ऑफ द एप्लीकेशंस। मॉडल क्या मैनेज कर रहा है, हमारे पास जो फंडामेंटल बिहेवियर या डेटा है, डेटा जो हम पास कर रहे हैं, डेटा हम सेव कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग।
it can respond to requests for informations, respond to instructions to change the state of its information, and even to notify observers in event driven system when information change. ये क्या करेगा? सबसे पहले जो हम रिक्वेस्ट करेंगे उसको रिस्पॉन्स करेगा, जो हमने एज ए रिक्वेस्ट जो इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की उसको रिस्पॉन्ड करेगा मॉडल. रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन टू चेंज द स्टेट ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन की स्टेट है उसको चेंज करने के लिए वो हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा. एंड इवन टू नोटिफाई ऑब्जर्वर इन इवेंट ड्रिवन सिस्टम व्हेन इंफॉर्मेशन चेंज, जब हमारी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है हमारा इवेंट ड्रिवन सिस्टम के अंदर जो जो भी इवेंट वर्क कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा. दिस कुड बी अ डाटाबेस, ये क्या हो सकता है? डाटाबेस और एनी नंबर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स और स्टोरेज सिस्टम, या कोई भी नंबर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर या स्टोरेज सिस्टम. लाइक वी कैन ऑल्सो स्टोर आवर इंफॉर्मेशन इन फाइल्स XML JSONs. वो एक तरह से जो हमारी लास्ट लॉजिक फाइल्स लॉजिक्स बिल्ड करवा रहे हैं उसको कह रहे हैं. वो नॉर्मली हम अगर शॉर्टकट में डिफाइन करें, जब हम डेटाबेस के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटाबेस से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहे हैं, दैट विल बी एग्जीक्यूट इन मॉडल, दैट विल बी स्टोर इन मॉडल, करेक्ट. इन शॉर्ट इट इज़ अ डाटा एंड डाटा मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन. शॉर्ट में हम अगर बात करें, डाटा मैनेजमेंट कर रहे हैं हम हमारी एप्लीकेशन का. डाटा मैनेजमेंट लास्ट स्टेप है, जो हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं, फैच करवा रहे हैं. वी विल परफॉर्म ऑल एग्जीक्यूशन इन मॉडल, करेक्ट. सिंपल याद रहेगा, डाटाबेस से रिगार्डिंग जो भी फंक्शनैलिटीज हम कहाँ परफॉर्म करेंगे? मॉडल के अंदर. नेक्स्ट वन इज व्यू. द व्यू इफेक्टिवली प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस एलिमेंट ऑफ द एप्लीकेशन. हमें क्या प्रोवाइड करता है? यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन से. यूजर इंटरफेस मीन्स जो यूजर व्यू कर सकता है, करेक्ट. इट विल रेंडर डाटा फ्रॉम द मॉडल इनटू अ फॉर्म दैट इज सूटेबल फॉर द यूजर इंटरफेस. ये क्या करेगा? जो मॉडल हमारा डेटा रेंडर करेगा उसको प्रेजेंट करेगा एज टू व्यूज व्यूएबल फॉर यूजर्स. जो हमारे यूजर्स हैं उनको व्यूएबल मतलब यूजर इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस इंटरेक्ट करेंगे व्यू करेंगे, करेक्ट. डेटा हमने कहाँ जनरेट किया? मॉडल के अंदर. प्रेजेंट कहाँ किया? व्यू के अंदर. अब इन दोनों के बीच में एज ए मीडिएटर कौन रोल प्ले करेगा? जो डेटा हमने जनरेट किया मॉडल के अंदर, प्रेजेंट व्यू के अंदर, कंट्रोलर विल प्ले रोल एज ए मीडिएटर. एज ए मीडिएटर रोल प्ले करेगा जो डेटा लेके व्यू को पास करेगा. द कंट्रोलर रिसीव्स यूजर इनपुट. जो यूजर की इनपुट है रिसीव करेगा. मींस अगर मैं कोई एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फ्रंट एंड पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ रहा है, तो मैं एंटर कर रहा हूँ, आई एम ए नॉर्मल यूजर, तो उस टाइम वो जो इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा? कंट्रोलर. एंड मेक्स कॉल टू मॉडल ऑब्जेक्ट्स. और उसके बाद जो मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करने के लिए उसको कॉल्स करेगा. एंड व्यूज टू परफॉर्म एप्रोप्रिएट एक्शंस. और उसके अंदर जो भी एप्रोप्रिएट एक्शंस है परफॉर्म करेगा. मेन हम क्या कह सकते हैं? इट विल प्ले रोल एज ए मीडिएटर बिटवीन मॉडल एंड व्यू. व्यू से डेटा लेगा, मॉडल को पास करेगा, मॉडल में हमारी फंक्शनैलिटीज एग्जीक्यूट होंगी, इट दैट विल रिटर्न डेटा टू कंट्रोलर, कंट्रोलर उसे वापस कहाँ पास कर देगा? व्यू के अंदर, करेक्ट. व्यू जो प्रेजेंट हो रहा है फ्रंट एंड पे, मॉडल जो हमारी फंक्शनैलिटीज एग्जीक्यूट हो रही हैं मेन एंड लेवल की, लास्ट जो हम कह सकते हैं डेटाबेस के रिगार्डिंग, कंट्रोलर एज ए मीडिएटर काम करेगा, जो मॉडल्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए व्यू से लेके देगा, और जो भी मॉडल हमारे पास आफ्टर एग्जीक्यूशन जो भी हमें डेटा रिटर्न करेगा वो कहाँ पास करेगा? व्यू के अंदर. कंट्रोलर क्लियर. दिस वन इज द MVC. बड़े ही फ्रेमवर्क हैं जो MVC पे डिपेंड है, बड़े ही लैंग्वेजेस हैं, ऑल लैंग्वेजेस आर फॉलोइंग MVC. तो लारावल भी उसमें से एक है, फ्रेमवर्क है
जो स्ट्रिक्ट लेवल पे एमवीसी को फॉलो कर रहा है, करेक्ट। लारावल सीखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या चाहिए हमें, फर्स्ट वन पीएचपी मस्ट, पीएचपी आनी चाहिए हमें, पीएचपी का बेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन ओप्स, ओप्स सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स भी मस्ट है, कम से कम बेसिक लेवल के लिए तो आने ही चाहिए, नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक्सपर्ट हो पर्सन, बट बेसिक लेवल का तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट वन सेम HTML एंड CSS, वी हैव टू स्मॉल नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS, ये तीनों चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लारावल कर सकते हैं। क्लियर, अभी तक लारावल के बारे में हमने पढ़ा क्या चीज़ है, उनकी थोड़ी सी हमने फीचर्स पढ़े, MVC कैसे वो पैटर्न फॉलो कर रही है, MVC के बारे में डिटेल से पढ़ा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हमने डिस्कस की। ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम सीखें, हमने लारावल सीखना है तो हम लारावल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें हम देख सकते हैं, सारा कुछ ही अवेलेबल होगा हमारे पास, करेक्ट। लेटेस्ट वर्जन, इंस्ट्रक्शन टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, पूरी डिटेल में हमारे पास डिफाइन है laravel.com के अंदर, करेक्ट। नेक्स्ट वन, जैसे अगर हम बात करें इसका लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास 5.5, जो भी ओल्डेस्ट भी हैं सारे डिफाइन है, जो जो हमने सेलेक्ट करेंगे हमें उसकी रिक्वायरमेंट बता देगा भी उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे सर्वर रिक्वायरमेंट, अगर हम 5.4 यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें PHP मस्ट है 5.6.4 या उससे ग्रेटर। ओपन SSL एक्सटेंशन इनेबल होनी चाहिए, PDO PHP एक्सटेंशन इनेबल होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स सिक्योरिटी के लिए, एनकोडिंग के लिए MB स्ट्रिंग भी हमारे पास इनेबल होने चाहिए। टोकनाइजर डाटा पैकेट फॉर्मेट में पास करने के लिए XML में, ये सारी चीज़ें हमारे पास इनेबल होनी चाहिए लारावल 5.4 के लिए। सेम अगर लारावल 5.5 की बात करें तो इसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है PHP 7.0 या ग्रेटर देन, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें जो हमारे पास होंगी ही होंगी, करेक्ट, ये रिक्वायरमेंट है। अब हमें ये सब चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इसके लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है इंस्टॉल करने के लिए, डिपेंडेंसी चेक करने के लिए कंपोजर। वी कैन यूज कंपोजर टू चेक ऑल डिपेंडेंसी, सारी की सारी डिपेंडेंसी चेक करने के लिए, बड़ा ही इजी हो जाता है इसके साथ इंस्टॉल करना हमारे पास लारावल। अगर मैन्युअली की बात करें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट बड़ी ही डिपेंडेंसी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी सेटिंग्स मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर कंपोजर इंस्टॉल करें तो बड़ा ही ईजी है हमारे लिए लारावल मैनेज करना और लारावल इंस्टॉल करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम आवर मशीन इट विल सिलेक्ट लारावल ऑटोमेटिकली, अपने आप सिलेक्ट करेगा जो हमने PHP वर्जन इंस्टॉल किया हुआ उसके अकॉर्डिंग कौन सा लारावल बेस्ट है, करेक्ट। जो आपका PHP वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर लेगा PHP 5.5, लारावल 5.5, 4, 3, 2, 1 जो भी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। चलें कंपोजर, कंपोजर क्या है हमारे पास, कंपोजर इज अ टूल फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन PHP। हमारे पास टूल है डिपेंडेंसी, जो भी एक सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी होती है अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर हम कंपोजर से कर रहे हैं, एक तरह से हमारे पास पैकेज मैनेजर है दैट ऑल PHP रिगार्डिंग, जो भी अगर हम ओपन सोर्स सेटिंग्स की बात करें तो कंपोजर के अंदर अवेलेबल होती है हमारे पास, वो पैकेज पड़े होते हैं, दैट्स अ पैकेज मैनेजर टू पैकेज टू मैनेज ऑल ओपन सोर्स पैकेज, पैकेज ऑफ ऑल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, करेक्ट। सिंपल में बात करें कंपोजर इज अ टूल, एक टूल है हमारे पास फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन PHP, डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए PHP के अंदर। इट अलाउज, ये हमें अलाउ करता है यू टू डिक्लेयर द लाइब्रेरीज योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज डिक्लेयर करने के लिए, डिपेंड्स ऑन एंड इट विल मैनेज
देम फॉर यू हमारे लिए अपना मैनेज करेगा, जो जो प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज पर डिपेंड है वो कंपोजर अपने आप इंस्टॉल करेगा या अपडेट करेगा, करेक्ट कंपोजर। तो कंपोजर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हम कंपोजर डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। हमने अकॉर्डिंग टू आवर ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे अंदर कंपोजर, जो भी हमें चाहिए ये अपने आप बता देगा। ये कमांड्स है, पीएच कमांड लाइन से कर चल रहा है, बट ये ध्यान रहे भी हमें पीएचपी कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर, इसके अंदर इसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ कर्ल कमांड टू एक्सेस कंपोजर, जहाँ हमारी पीएचपी है उसके रूट के अंदर हमारा कंपोजर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो, करेक्ट। मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन है हमारे पास इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर के थ्रू। अगर कंपोजर अवेलेबल है तो हम ये कमांड्स कॉपी करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू इंस्टॉल लारावल। लारावल इंस्टॉल करने का सिंपल वे है, करेक्ट। हमने यहाँ पे डिफाइन क्यों है सारे के सारे स्टेप, मैं कर रहा हूँ कमांड कॉपी, या हम लिख ही लेते हैं। हम अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे, सीडी स्पेस ओपीटी लैंप एचडॉक्स डेवेक्स, और इसके पाथ था हमारा पाथ था मॉर्निंग सिक्स, करेक्ट। इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था लारावल का, इसके अंदर वी हैव जस्ट इंट्रो फाइल, जो हमारी इंट्रो फाइल है वही अवेलेबल है। यहाँ हम प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कंपोजर, अगर हमारे सिस्टम पर कंपोजर इंस्टॉल है तो हम कंपोजर यूज कर सकते हैं टू एक्ट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, फिर लारावल, लारावल हम लोकल पे कर रहे हैं, और हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं कोई भी, हमारा प्रोजेक्ट है माई फर्स्ट लारावल या लारावल ऐप, ठीक है, हमने नाम दे दिया लारावल ऐप, करेक्ट। और हमने लारावल ऐप नाम से हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड करवाया करेंगे। अब ये एक दो मिनट लेगा प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी हैवी डिपेंडेंसी चेक है इसकी, प्रॉपर एक एक डिपेंडेंसी चेक करेगा, उसी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये लारावल वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, करेक्ट। हमने क्या किया, हमने जस्ट ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करवाई, कंपोजर फिर क्रिएट प्रोजेक्ट फिर लारावल स्लैश लारावल, जो भी हमने प्रोजेक्ट नेम देना था हमने नाम दिया लारावल ऐप, ठीक है, यही नाम दिया हमने। ये इसके अंदर लारावल ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा, जो हमारे पास हमारा करंट फोल्डर होगा। इसके अंदर जो हमारा करंट फोल्डर है यहाँ पे हमने लारावल के अंदर है, इट विल क्रिएट अ सब फोल्डर लारावल ऐप। अगर हम चाहते हैं भी उसी फोल्डर के अंदर आ जाए, रूट के अंदर इंस्टॉल हो जाए, तो हम प्रेफर डिस्ट लगा सकते हैं सेम फोल्डर के अंदर। जैसे हम सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, हम रूट पे ही करेंगे ज़्यादातर, अगर हमने कोई होस्टिंग परचेज की हुई है तो हम उसके लिए प्रेफर डिस्ट लगा सकते हैं रूट फोल्डर के अंदर क्रिएट करने के लिए। यह था एक वे, वन वे जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, करेक्ट। पहले कंपोजर तो है ही है हमें डिपेंडेंसी चेक करने के लिए, फिर हमने एक फर्स्ट वे सीखा कंपोजर से प्रोजेक्ट क्रिएट करके कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं। सेकंड वे GitHub लारावल स्लैश लारावल खोलेंगे, इसके अंदर
इतने में हमारा इंस्टॉल भी हो जाएगा. यस आई थिंक इट्स इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल हो चुका है हमारा. लास्ट में PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज आर्टिजन की जनरेट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आर्टिजन क्या चीज़ है. अब हम चेक करें हमारा फोल्डर, तो हमारे फोल्डर के अंदर हम गए OPT लैम्प HTDocs से हमारे HTDocs तक का पाथ है Devex, उसके बाद हमारा था मॉर्निंग 6:30. इसके अंदर हमने लारावल फोल्डर बनाया था, ये थी हमारी लारावल ऐप, करेक्ट. ये हमारे पास आ गया डिफॉल्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ लारावल आफ्टर इंस्टॉलेशन. ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. क्या फोल्डर, कौन सी फाइल्स, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग में, किन फाइल्स के अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, करेक्ट. हमारा लारावल इंस्टॉल हो चुका है. इससे पहले हम सीख रहे थे अनदर वे टू इंस्टॉल लारावल. हम गिटहब से लारावल जो इसकी ऑफिशियल है वहाँ पे जाएंगे. ये टेलर OTWell, ये क्या हमारे पास ओनर है लारावल का, जिसने लारावल क्रिएट की है. यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं. और उसके बाद कंपोजर स्पेस इंस्टॉल, ये कमांड लगाएंगे हमारे टर्मिनल के अंदर तो ये इंस्टॉल कर देगा, करेक्ट. जो हमारी डिपेंडेंसी होगी लारावल के अंदर, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल इंस्टॉल लारावल ऑन आवर मशीन, हमारी मशीन के अंदर इंस्टॉल कर देगा, करेक्ट. आर्टिजन, आर्टिजन के बारे में हम पढ़ा, PHP आर्टिजन कमांड. क्या है हमारे पास, क्विक क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन कंपोनेंट्स. एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स जो भी होंगे वो हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर. कंट्रोलर व्यूज मॉडल यूजिंग दीज कमांड. अल्टरनेटिव टू मैनुअल फाइल क्रिएशन, फाइल क्रिएशन मैनुअली करने का अल्टरनेट है हमारे पास कमांड लाइन. और यूटिलिटी कमांड्स, हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर कमांड्स एग्जिस्ट हैं, स्टोर्ड है, जिनका हम यूज करेंगे हमारी एप्लीकेशंस के अंदर, करेक्ट. ये थी हमारी स्मॉल सी डिस्कशन अबाउट ऑन दी लारावल फीचर्स, कंपोजर, MVC स्ट्रक्चर, और हमने इंस्टॉल किया हमारा लारावल प्रोजेक्ट. अब हमने जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया वो हम चला के देखेंगे. उससे पहले अगर हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा परमिशंस का. एक तो स्टोरेज फोल्डर, इसकी परमिशंस, और एक हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर कैशे की, इसको हमें फुल परमिशन देनी पड़ेगी लारावल को टू एक्सेस दीज फोल्डर्स, जिसके अंदर वो अपनी डिपेंडेंसी फाइल्स की सेटिंग्स जनरेट करेगा एट रन टाइम, करेक्ट. तो हम इसकी परमिशंस पहले हम सेट कर देते हैं, फुल परमिशन दे देते हैं. लारावल ऐप में बूटस्ट्रैप, इसके अंदर हमने कैशे फोल्डर को देनी थी, मैंने इसको परमिशन दे दी. और एक था हमारे पास स्टोरेज, उसको भी मैं दे देता हूँ, करेक्ट. हमने दोनों को परमिशंस दे दी, फुल परमिशंस. अब मैं हमारी एप्लीकेशन चला के देखूँगा. हमारे पास पब्लिक फोल्डर के अंदर index.php ये फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, करेक्ट. इसी फाइल को चलाना है और ये फाइल हमें आउटपुट शो करती है सबसे पहले. तो हम पब्लिक फोल्डर में आएंगे. अगर हम यहाँ पे मैनुअली चला रहे हैं localhost devex मॉर्निंग 6:30, उसके बाद हमारा लारावल, हमारा सर्वर भी ऑन, तो हम सर्वर भी हमारा वैम्प कर लेते हैं. अगर आप विंडो पे कर रहे हो तो आपको ये कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं जैम्प ऑन करने के लिए कर रहा हूँ, करेक्ट.
इसके बाद था हमारा पब्लिक फोल्डर, चल गया हमारे पास लारावल फाइल, ये हमारे पास फर्स्ट फाइल चली जो हमने चला के देखी थी, हमने किस किस एप्लीकेशन की हेल्प ली, हमने वेबसाइट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी हेल्प ली, और साथ के साथ हेल्प ली हमने कंपोजर की टू इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसी जो भी हमारे लारावल के लिए रिक्वायरमेंट थी, करेक्ट। इसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, हमने जो यहाँ पे अभी पढ़ा था आर्टिजियन कमांड के बारे में, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे सर्वर को, आर्टिजियन सर्व, ये हमारे लिए इसकी साइट पे चेक कर रहा हूँ मैं, आई थिंक मेरे पास आर्टिजियन कमांड कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये हमारे लिए एक लोकल URL क्रिएट कर देगी हमारे लोकल सर्वर के लिए। ये आर्टिजियन में प्रॉब्लम है मेरे, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा फिर हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, करेक्ट। अभी तक हमने सिंपल क्या किया, नहीं हमारा पाथ गलत था, सॉरी लारावल ऐप हमारा पाथ एक रूट फोल्डर बैक थे, अब मैं चलाऊँगा तो ये मेरे लिए एक URL क्रिएट कर देगा लोकल होस्ट 8000, ये URL से मैं हमारी एप्लीकेशन चला सकता हूँ, हमें पब्लिक फोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है हमारे पास, फाइल जनरेट होने के बाद प्रॉपर एग्जीक्यूट रन होने के बाद वी कैन यूज दिस URL लोकल होस्ट 8000, ये वाला URL हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट। ये हमारे पास लारावल फाइल 5 इंस्टॉल कर देगा। ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट टू इंस्टॉल दी लारावल। अगर हमने सर्वर पे चलाना तो क्या करेंगे, सर्वर पे हम इंस्टॉल कर लेंगे रूट के अंदर, और htaccess के अंदर हम पब्लिक index.php का उसे डिफॉल्ट पाथ सेट कर देंगे जो हमारा डोमेन एक्सेस करेगा। These are the simplest ways to install Laravel, और कैसे हम उसकी dependency manage करते हैं वो हमने discuss किया। हमने discuss किया Laravel क्या है, correct? Laravel के थोड़े features पढ़े, benefits पढ़े, कैसे manage कर सकते हैं, MVC pattern के बारे में discuss किया, MVC क्या है, model view controller के बारे में discuss किया, क्या क्या हमें prerequisites हैं इसके अंदर वो discuss किया, ऑफिशियल वेबसाइट्स के हेल्प के थ्रू हमने लारावल इंस्टॉल की हमारे सिस्टम के अंदर लोकल सर्वर के अंदर, कंपोजर हमने कंपोजर के बारे में डिस्कस किया, कंपोजर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन की, फिर हमने कंपोजर के थ्रू हमने हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट किया एक लारावल ऐप के नाम से, और उसे एग्जीक्यूट करवा के देखा नॉर्मल पब्लिक फोल्डर के अंदर जाके index.php फाइल को ओपन करके, और साथ के साथ आर्टिजियन कमांड का यूज करके, करेक्ट। दीज आर द लारावल फर्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को, और आगे नेक्स्ट प्रोसेस भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।